हमेशा छात्र आंदोलन के प्रति बहुत कड़ा रुख रहा है। सरकार छात्र आंदोलन की ताकत को समझती है, ताकत को समझती ही नहीं है, उससे डरती भी है, भयभीत भी रहती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सभी को अपने बात रखने, धरना करने एवं प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो छात्र अपनी बात रख रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनका सरकार के द्वारा दमन कराया जा रहा है। ऐसे ही कुछ घटना 2014 8 जनवरी को पटना में हुई थी, जब कुछ छात्र संगठनों ने अपने अधिकारों को लेकर विधानसभा घेराव करने का फैसला किया था। उस फैसले में पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज हुई और लगभग 35 छात्रों को 26 दिनों के लिए जेल में रखा गया। सरकार अगर सबको शिक्षा देने के वादे से पीछे हटेगी, विद्यार्थी तो आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी जब आंदोलन करेंगे तो इतना बर्बर तरीके से अगर देश की आज़ाद भारत की पुलिस अगर पेश आएगी तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा यह सवाल बनता है। विद्यार्थी अपनी बातचीत को अगर नहीं करेंगे, विद्यार्थी अपनी बातचीत को अगर तय नहीं करेंगे, वो बातचीत अगर अपनी बात को अगर जाहिर नहीं करेंगे तो फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब, फिर इस आज़ादी का क्या मतलब। मैं मानता हूं कि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। संभव है कुछ अतिवादी तत्व हो जिन्होंने देश के खिलाफ कोई साजिश रची हो, मैं नहीं जानता। लेकिन आम तौर से यूनिवर्सिटी में आप मानकर चलिए कि सभी तरह के विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है। जब तक कोई वायलेंस नहीं होता, जब तक कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती जिससे देश को खतरा हो, तो मैं समझता हूँ देश द्रोह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं भी देशभक्त हूँ और अगर देश को टुकड़ा करने जैसी बात कोई करता है तो मैं उसकी भी वर्चना करूँ। कैंपस डेमोक्रेसी चाहता हूँ, क्योंकि अगर कैंपस में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तानाशाही आ जाएगी और उसके संकेत मिल रहे हैं। कन्हैया इस राज्य का एक होनहार विद्यार्थी था, जो कि एक्सटेम्पोर में और डिबेट में पूरे राज्य का चैंपियन था और कई बार उसने विश्वविद्यालय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं में राज्य का सम्मान भी बढ़ाया था, जिसको भी सीधे तौर पर वैसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही करार देना यह अपने आप में समस्या है। एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, जिसे हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। निश्चित ही आने वाले दिनों में और ज़्यादा आक्रोश दिखाई पड़ेगा यहाँ राज्य के अंदर में, बिहार के अंदर में।